नमस्ते, मैं डॉक्टर कल्पेश चौहान आज आपसे बात करूंगा डाइजेशन की एक ऐसी समस्या जिसे इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम या फिर IBS भी कहा जाता है। देखा जाए तो 10-15% लोगों में जिनकी उम्र 45 से कम है उन लोगों में यह समस्या ज़्यादा पाई जाती है। इसमें काफ़ी तेज तकलीफ होती है, पेट के निचले हिस्से में काफ़ी तेज दर्द होता है और उसी के साथ साथ पसीना भी निकलता है। कॉन्स्टिपेशन और डायरिया की भी समस्या इसमें बारी बारी से होती है। कभी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होता है तो कभी डायरिया की भी समस्या होती है। कभी बार बार लैट्रिन को जाना पड़ता है जिसे हम परसिस्टेंट डायरिया भी कहते हैं। इन सब की वजह से पेशेंट काफ़ी परेशान हो जाता है। दिन भर पेट फूला फूला सा लगना, गैसेस की भी समस्या इसमें कॉमनली पाई जाती है। लैट्रिन भी जो है वो स्टिकी हो जाती है, एक म्यूकस के समान हो जाती है। अब इन सब के चलते पेशेंट को काफ़ी वीकनेस महसूस होती है और उसके साथ उसका वेट लॉस भी होना शुरू हो जाता है। अगर इसका अच्छे से इलाज ना किया जाए तो स्टूल के साथ लैट्रिन के साथ ब्लड भी आना शुरू हो जाता है। अब क्या है IBS, किसे कहते हैं IBS और इसके लिए आप क्या सटीक इलाज कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको आज डिटेल में समझाने वाला हूँ। अब बात करते हैं IBS होता क्या है। अब IBS समझने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हम जो खाना खाते हैं वो किस तरह से हमारे इंटेस्टाइन में जाता है और IBS क्यों होता है। हम जब भी खाना खाते हैं वो हमारे माउथ के थ्रू हमारे इसोफेगस में जाता है। अब इसोफेगस यानी कि एक पाइप के समान होता है जो कि हमारे गले से लेकर पेट तक का रास्ता तय करता है। फिर वो फूड पेट से लेकर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और फिर आगे लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। अब IBS ये समस्या लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ी हुई है, तो जानते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या होता है। मुख्यतः इसके दो काम होते हैं, एक तो एब्जॉर्प्शन, वाटर और अदर चीज़ को एब्जॉर्ब करने का काम लार्ज इंटेस्टाइन करता है, और फिर जो भी वेस्ट मटेरियल बचा है उसे आगे पुश करने का काम या फिर ढकेलने का काम लार्ज इंटेस्टाइन करता है, जो कि एक नॉर्मल मूवमेंट के साथ होता है जिसे कि हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। अगर ये मूवमेंट नॉर्मली अगर चलती रही तो दोनों काम अच्छे से होते रहेंगे, लेकिन किसी कारणवश अगर इसमें डिस्टर्बेंस आ गया तो फिर कॉन्स्टिपेशन और डायरिया जैसी समस्या हमें देखने मिलती है। इसे ही हम इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम कहते हैं। अगर ये नाम देखा जाए इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम, इरिटेबल यानी कि नॉर्मल मूवमेंट का डिस्टर्ब हो जाना और बॉवेल यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन के जो नॉर्मल मूवमेंट है उसके डिस्टर्ब हो जाने को ही हम इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम कहते हैं। अब देखते हैं कि IBS होता क्यों है और क्या कारण है इसके, आइए समझते हैं। देखा जाए तो इसका कोई फिक्स कारण तो नहीं है, लेकिन कुछ फैक्टर है जिसकी वजह से आपकी जो नॉर्मल बॉवेल मूवमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे कि स्ट्रेस यानी कि तनाव, देखा जाता है कि जिन लोगों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, जिनको बहुत ज़्यादा तनाव है, बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, उन लोगों में IBS का प्रमाण बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसी के साथ साथ देखा जाता है कि कुछ लोगों में पास्ट के जो बैड एक्सपीरियंस है उनकी वजह से अगर उनके मन में आज भी डर हो तो उसकी वजह से भी IBS का प्रमाण उनमें बढ़ जाता है। इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो खान पान की चीज़ें भी, जैसे कि मसालेदार फैटी फूड, चॉकलेट्स, इन सब का अगर कंजम्पशन ज़्यादा हो तो भी IBS का प्रमाण बढ़ जाता है। अगर अल्कोहल का प्रमाण अगर ज़्यादा हो तो भी आपको ये तकलीफ हो सकती है। हार्मोनल चेंजेस भी इसका एक कारण हो सकता है, इसीलिए देखा जाता है कि महिलाओं में IBS का प्रमाण बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि हार्मोनल चेंजेस उनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। उसी के साथ जेनेटिक भी इसका एक कारण हो सकता है। अगर आप वक्त पर खाना ना खाते हो तो भी आपको IBS की समस्या हो सकती है। अब आप कारण तो समझ गए, अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की, यानी कि कैसे इससे बचा जाए। अगर आपको IBS की समस्या है तो आपको सीखना चाहिए कि आपके स्ट्रेस को आपको कैसे मैनेज करना है। उसी के साथ आपको खान पान की चीज़ों पर भी ध्यान रखना चाहिए कि किस चीज़ों से हमें तकलीफ होती है, उन चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए। साथ ही साथ आपको एक्सरसाइज, वॉकिंग ये भी अच्छे से करना चाहिए। उसी के साथ मेडिटेशन और स्लीप भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। और आप अगर कॉफ़ी या चाय का सेवन अगर ज़्यादा करते हो तो उन्हें भी आपको कम करना चाहिए। अगर आप इलाज की बात करते हो तो मैं रेकमेंड करूँगा आप होम्योपैथी लीजिए, क्योंकि इसमें हम आपका डिटेल स्टडी करते हैं, आपके मेंटल लेवल पर, आपके फिजिकल लेवल पर जो भी आपको तकलीफें हैं उसका हम पूरी तरह से स्टडी करने के बाद ही आपको मेडिसिन देते हैं, ताकि आपका IBS जैसे जो बीमारी है, जो भी ये तकलीफें हैं वो पूरी तरह से जड़ से ख़त्म हो सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।